सीढ़ी चढ़ जाए और उसको जिस पर्पस के लिए लिया था उसी में लगाया। बहुत से डर मैडम इसका भी ध्यान रख रही हूँ पीछे ये ना जाने खेला परी साथ मुझे छोड़ता नहीं बच्चे पार हो गई जी आप वो जो दे आ रही है बिल्कुल पीछे ही खड़े जूते पहन के चलो चलना चलो नीचे चलना क्या हो गया आप क्या फिर सफल हो गई किसान पीढ़ी का यही होता है योजनाओं से जुड़ी है बैंक से जुड़ी है सही इसकी फोटो तो ली थी ना तुमने पूरे इसके सही उपयोग ऐसी बात नहीं आपके भी प्रयास ये इनका कितने में हुआ दोनों का 19 में और इनका हुए इनके भी 19 थे दोनों के 19 आपका भी प्रयास अच्छा था रिकॉर्ड तो आपका भी अच्छा था दोबारा वापस हो गई थी ना कितने आए इनके नंबर में कितने अटेम्प्ट में कौन कहाँ था 19 अटेम्प्ट बराबर 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 होता क्या है उधर क्यों जा रहे हो सुन लो सर की बात पहले काम के लिए ही लोन और लोन हमें
हमेशा बैंक से लीजिए, किसी साहूकार या मित्रों पे या परिवार वालों पे किसी का डिपेंड नहीं, क्योंकि आप साहूकार के पास जाती हैं आपको नहीं पता वो कितना ब्याज लगा रहा है। ज़रूरत में आप जाएंगे तो आपसे उल्टा दस्तखत जो भी कराएगा वो कराएगा, आप उससे ये भी नहीं पूछ पाएंगे आप ब्याज क्या देंगे। बैंक का सब कुछ क्लियर है, ब्याज का दर भी क्लियर है, कितना अमाउंट आप ले रहे हैं वो भी क्लियर है, कैसे चुकाना है वो भी क्लियर है। तो सही उपयोग कीजिए और अच्छा इनकम आपकी बढ़ेगी, आप फिर बैंक आपकी और भी मदद करेगा, उसका रिपेमेंट सही रखिए। बहुत से लोग इस चक्कर में लग जाते हैं देना ना पड़े चुकाना ना पड़े, उससे आपका क्रेडिबिलिटी खराब होती है, आगे कोई बैंक फिर आपका साथ देने के लिए खड़ा नहीं होता, क्योंकि अगर आपका रिकॉर्ड सही नहीं है तो बैंक और मैंने पहले परमार जी को फोन लगा था इंडिया का जब आपकी यहाँ से छुट्टी होनी तो कुछ स्टूल मंगवा लेना कुछ।